अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह, पेंशन, ठीक है, और UBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो या बजट के हवाले से, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली है जनाब, एक तो जो खबरें चली हैं आप लोगों ने, हमने भी सुनी, आपने भी देखी सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी, ठीक है, जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 साल पर गौर है, ठीक है। तो इसकी हकीकत क्या है, क्या ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है वो कौन से सूबे में, कौन से प्रोविंस में जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी और तनख्वाह में कितना इजाफा होने जा रहा है, उससे रिलेटेड जो है आज की हमारी वीडियो, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी होगी, आप लोगों को पसंद आएगी, वीडियो को कम्प्लीट देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट है वो ये है कि जनाब, तनख्वाह और पेंशन में इजाफा, बजट में 2024-2025 में तनख्वाह और पेंशन में जो इजाफा हो रहा है उससे पीपल्स पार्टी या फिर बिलावल भुट्टो जो हैं वो नाखुश हैं, ठीक है, क्योंकि बिलावल भुट्टो का कहना ये था कि तनख्वाह और पेंशन में जो 50% इजाफा होना चाहिए सिंध और बलूचिस्तान में, लेकिन जब तजवीज़ ही 35% गई है तो जनाब वो 50% कैसे इजाफा होगा, तो ठीक है। तो जनाब आज हम बात करेंगे विफाक में कितने परसेंट जो है वो इजाफा होने के चांसेस हैं या प्रिडिक्शन है, ठीक है, विफाक हो गया या फिर KPK हो गया और सिंध और बलूचिस्तान हो गया, इन तीन पर हम बात करेंगे, ठीक है। और फिर इसमें जो है फिर ग्रेड वैसे एक से कहीं पे 1 से 15 ग्रेड है, कहीं 1 से 16 ग्रेड है, ठीक है, और फिर 16 के बाद का ग्रेड है, तो किस पे किस हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। तो जनाब वीडियो की स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं विफाक में, ठीक है। तो विफाक में सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाह और पेंशन में जो है वो 10 से 15% इजाफा मुतवक्का है, ठीक है, लेकिन फिर वो बात वही आती है कि जनाब सिंध और बलूचिस्तान में जब बात हो रही है, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं और या फिर जो प्रपोज़ल गया है वो 35% गया है, तो फिर विफाक के साथ ये ज़ाती क्यों, ठीक है, कि वहाँ विफाक में जो है, मतलब विफाक से मुराद पूरा लाहौर आ गया आई थिंक से उसमें, तो विफाक के में 10 से 15% ही क्यों इजाफा होगा, ठीक है। तो जो आपके प्रपोज़ल गया है जनाब वो तो यही गया 10 से 15% का विफाक का, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ जो हमारी टीम है उसके मुताबिक जो ये थोड़ा सा हमें तो सही नहीं है, मुनासिब नहीं है कि सिंध और बलूचिस्तान में जब 35% हो रहा है तो विफाक में 10 से 15% क्यों, ठीक है, सिंध में 35% करें आप, बलूचिस्तान में 35% करें, तो विफाक में भी 35% हो, 30% हो, 30 से 35 के दरमियान हो, ठीक है। ये तो अगर सिंध और बलूचिस्तान में 35% होता है और विफाक में 10% होता है तो 35 का आधा भी नहीं है, आधे से भी कम है, शायद आधे का आधा है, ठीक है। मुख्तलिफ जो अखबारों में जो है मुख्तलिफ चीज़ें शाया हुई हैं, ठीक है, सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से जो है वो भी खबरें शाया हुई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कल बात कर लेते हैं जनाब, हम बात कर लेते हैं जनाब अब KP की गवर्नमेंट की, ठीक है। तो KP गवर्नमेंट में जो सिलसिला है वो 1 से 16 तक जो है वो 15% जो है वो इजाफे के चांसेस, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरीज में और जनाब जो पेंशन है उसमें एक ग्रेड 1 से लेकर 16 तक जो है वो 15% जो है इजाफे के चांसेस, मतलब जो प्रपोजल्स गया है वो मुतवक्का है तकरीबन 15% के, ठीक है। और बाकी की बात करें, मतलब 1 से 16 ग्रेड तो हो गया, अब बात करते हैं हम 17 से 22 ग्रेड या 17 से अबव जो ग्रेड है उनके बारे में, तो जनाब उनके बारे में यही कि जनाब उनके जो है वो 15% से कम एक्सपेक्टेशन, मतलब प्रपोजल जो है जो गया है वो 15% से कम का गया है, ठीक है। 1 से 16 ग्रेड तक जो है वो 15% इजाफे का प्रपोजल गया है और 16 से ऊपर जो भी ग्रेड है उसका जो भी होगा वो तकरीबन 15 से लेस देन 15 होगा, ठीक है। और फिर वही बात होगी, रिपीट करूँगा वही जुमला कि जनाब सिंध और बलूचिस्तान की जब 35% है तो यहाँ पे 15% की तकरीबन, अगर 19-20 का फ़र्क हो तो समझ में आता है, ये आधे से भी ज़्यादा कम का फ़र्क है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनाब सिंध और बलूचिस्तान की, ठीक है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें, ठीक है, सिंध बलूचिस्तान में तनख्वाह में 35% इजाफे की तैयारी, ठीक है। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो साहब इस पर काफ़ी नाराज़ है क्योंकि उनका ये कहना था कि सिंध और बलूचिस्तान में जो तनख्वाह में जो इजाफा है वो तकरीबन 50% होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो हुआ क्या है जनाब, यहाँ पर ग्रेड का सिलसिला है, यहाँ पर ग्रेड थोड़ा सा डिफरेंट है, जो नया ग्रेड है उसके मुताबिक है कि सिंध और बलूचिस्तान में ग्रेड 1 से 15 तक जो है उनके जो सैलरी में इजाफा होगा 35% इजाफा होगा, ठीक है।
और इसके अलावा जो है 16 से 22%, 16 से 22 ग्रेड या 16 से जो ऊपर ग्रेड है, 16 और 16 से ऊपर जो ग्रेड है उसमें तकरीबन जो तनख्वाह और पेंशन में इजाफा मुतवक्का है वो तकरीबन 20 से 25% है। तो जो नीचे लेवल है मतलब 1 से 15 लेवल है, 1 से 15 ग्रेड है, उसमें 35% के इजाफे की प्रिडक्शन है, मतलब जो प्रोपोजल गया है वो 1 से 35 ग्रेड 1 से 15 तक के लिए 35% के प्रपोजल गया है, ठीक है। और जो 16 से ऊपर है, नहीं 16 से 22 ग्रेड हो गया, 16 से जो भी ग्रेड ऊपर है उसमें 20 से 25% का इजाफे का जो है वो गया है, प्रपोजल गया है। लेकिन बात हुई कि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, उनका ये कहना है कि जनाब ये 35% बहुत कम है, 50% होना चाहिए क्योंकि महंगाई आसमान से बात करी। लेकिन वो इनका जो अपने आता बिलावल भुट्टो साहब का कि 50% इजाफा हो जाए उसको रिजेक्ट कर दिया गया और जो प्रपोजल गया है तो वो 35% पर गया है। अच्छा जनाब अब बात कर लेते हैं जनाब रिटायरमेंट की उम्र जो 65 साल की बात हो रही है, ठीक है, पेंशन अखराज पर काबू पाने के लिए रिटायरमेंट की उम्र 65 साल तक करने के इकदाम ज़ेर गौर है, ठीक है। बहुत सारे चैनल वालों ने कह दिया कि ये इंप्लीमेंट हो चुका है, मतलब गवर्नमेंट ने इस पर डिसीजन ले लिया, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भी ज़ेर गौर है। क्योंकि एक तरफ हम ये अगर करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी उम्र जो है अभी 60 साल है, ठीक है, और पेंशन में कमी अखराजात को कम करने के लिए जो मेरी सर्विस को 5 साल बढ़ा दी जाए, तो दूसरी तरफ क्या होगा जनाब, आज मैं रिटायर होता तो मेरे बिहाफ पे जो है कोई नया बंदा 18, 20, 22, 25, 30 साल का हायर होता, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मैं मेरी जॉब जो है वो 5 साल एक्सटेंड हो गई और जो लोग कल रिटायर होते हैं उनकी भी 5 साल एक्सटेंड हो गई, ठीक है। जो अगले साल 60 साल के होते रिटायर होते हैं उनकी भी 5 साल एक्सटेंड हो गई, जो उसके अगले साल रिटायर होने थे उनकी भी मज़ीद 5 साल एक्सटेंड हो गई। तो होता क्या, आज मैं रिटायर होना था मुझे, अब मैं 5 साल के एक्सटेंड हो गया, तो मेरे पीछे मेरी जगह मेरी सीट पर जो नया बंदा हायर होना था वो क्या हुआ, 5 साल के लिए डिले हो गया, मतलब वो 5 साल की उसकी तो हायरिंग होगी नहीं मेरी सीट पर, ठीक है। अब वो उसके जो मतलब पिछले साल जिस बंदे ने हायर होना था वो भी 5 साल डिले हो गया, उसके अगले साल जो बंदा हायर होना था वो भी 5 साल डिले हो गया, ठीक है। तो ये सिलसिला काफ़ी आउट हो गया था, उस पर ये मसला भी ज़ेरे गौर है, ठीक है। क्योंकि जो मेरी सीट पे आज जिसने हायर होना था वो 5 साल तक मेरा वेट तो नहीं करेगा कि मेरी सीट खाली होगी तो मेरी सीट पर आएगा, ठीक है, वो तो इधर उधर हाथ पाँव मारेगा। तो जनाब ये इम्प्लीमेंट पर भी ज़ेरे गौर है, ये फाइनलाइज नहीं हुआ है कि जो भी रिटायरमेंट की एज है वो 60 साल ही बरकरार रहेगी या 65 साल तक चली जाएगी, ठीक है। जो इशू था वो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दिया। यहाँ पे हम वीडियो जनाब खत्म करते हैं, उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।